हाय फ्रेंड नमस्कार, एग्जाम अनलॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये टेस्ट 12 में कंडक्ट कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आई होप आपका अच्छा क्वेश्चन दिया होगा। मैंने अब क्वेश्चनों का कुछ लेवल हल्का कर दिया है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि साहब आप उनको परेशान कर रहे हो, हार्ड क्वेश्चन दे के ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो मैं हार्ड और ईजी दोनों मिक्स करूँगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन दूंगा। एक चीज़ सबको पता होगा मेरे LDC भाई बहनों को कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने टाइपिंग में कलाकारी कर दी है, सबके सामने है, सबको पता है। तो कलाकारी एफिशिएंसी में भी हो सकता है, मेरा कहना तो ये है, बाकी आपकी मर्जी। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन, और कुछ जो मेरे न्यू व्यूअर्स भाई हैं तो जो किस तरीके से टेस्ट देना है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, और कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें और भी करूँगा वीडियो के एंड में, तो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि मैंने देखो ये यहीं आ गया आपका क्वेश्चन कि एक कई लड़कों का ये डाउट था कि सर जैसे आपने टाइप कर रखे हैं ये हिंदी और इंग्लिश में, अब मेरे को ओनली इंग्लिश वर्ड पर फॉर्मेटिंग करनी है, हिंदी वर्ड सारे सेलेक्ट करने हैं। मैंने होम टेप बेसिक्स पढ़ाया था तो उसमें भूलवश मेरे से बच गई थी टेप, तो मैं ये कहीं भी इंग्लिश का मैंने इस पर कर्सर छोड़ा और मेरे को अब सिमिलर देखो ऐसे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इससे तो सेलेक्ट आल हो जाएंगे, और इससे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ड पैड फाइल वगैरह सेप वगैरह वो सेलेक्ट होते हैं इस तरीके से, लेकिन मेरे को कर्सर छोड़ना है और मेरे को सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो इस टेक्स्ट की है वो फॉर्मेटिंग मेरे को सेलेक्ट करनी है। तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो ये दो सेलेक्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? इधर देखो ये कैलिबेरी और ये 20 फॉन्ट है, और मैंने इस पर कर्सर छोड़ा तो ये टाइम न्यू रोमन का है, यानी इसकी फॉर्मेटिंग अलग है। अब इसकी सिमिलर यानी ये दो वर्ड हैं इसमें जो सिमिलर लगाई, तो इस तरीके से जो सिमिलर फॉर्मेटिंग है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी इससे। ऐसे मेरे को हिंदी के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, अब इन मेरे को इनको कुछ भी करना है जैसे, तो अब मेरे को ये इंग्लिश का सेलेक्ट करना है सिमिलर, और मेरे को इसको ईच कैपिटलाइज ईच अक्षर लगना है जिससे ये अच्छे लगें इस तरीके से। तो अब देखते हैं हम पहले क्वेश्चन, फर्स्ट पेज पर 3 नंबर पैराग्राफ पर बुलेट से हटाएं तथा इस पैराग्राफ पर आउटलाइन में डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी लोगों को आता है, लेकिन मेरे को आप लोगों की गलती सुधारनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का एक अटैम्प्ट करने के इसमें गलत करते हैं अटैम्प्ट। अटैम्प्ट किस तरीके से करना है तो हम चलते हैं फाइल पर। फाइल पर देखो ये एक बुलेट पर क्लिक करना है तो आपको पता लग जाएगा कि बुलेट नंबरिंग लग रही है, और अब आसानी से क्योंकि पैराग्राफ पर ही लगता है नंबरिंग या बुलेट, जब हम एंटर दबाते हैं ना तो पैराग्राफ टूट जाता है अपने आप में, जहाँ जहाँ एंटर लगता है, तो एंटर के बाद ही दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो अब हमें तीसरा पैराग्राफ कहीं भी कर्सर छोड़ दो। देखो कुछ लोग कहेंगे हम बैक स्पेस से इसको हटाएंगे, तो बैक स्पेस का मतलब क्या है? मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कराना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, गौर करके सुनना। जो भी आपका सॉफ्टवेयर वहाँ आपकी चेक करेगा ना फाइल को, वो सारे उसमें स्टेप पहले ही फीड कर दिए जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप पे आपको कहाँ क्लिक करना है, तब जाके उसके मार्क्स मिलेंगे। आपने बैक स्पेस यहाँ यूज कर दिया तो आपका अब बैक स्पेस दबा है, ये अनब्लॉक नहीं हुआ, नन नहीं हुआ आपकी नंबरिंग। नन कहाँ करनी, यानी हटाना कहाँ से? देखो यहीं ऑप्शन मिल गया आपको, अगर बैक स्पेस से हटता तो फिर यहाँ ऑप्शन क्यों देते? यहाँ जाके आपको डाउन एरो में और नन करना है। सही तरीका ये है आपका बुलेट हटाने का। अब आप इसको सेलेक्ट कर लो और ये दो जो मैंने आपको दिए हैं इफेक्ट, डबल स्ट्राइक थ्रू और आउटलाइन, इसको सेलेक्ट कर लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स में 11 नंबर लाइन फाइंड कर उसको हिडन करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग कलाकारी करेंगे, डायरेक्ट यहाँ जाएंगे पेज लेआउट में और नंबरिंग डाल के और पता कर लेंगे 11 नंबर फाइल कहाँ है, उसको हिडन कर देंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है, और दूसरा क्वेश्चन है क्लियर करा देता हूँ। नंबरिंग ऐसे हटती है लग रही हैं तो इनको यहाँ से नन कर देना इस तरीके से। तो अब सही तरीका क्या है, होम पे जाओ, फाइंड पर जाओ, फाइंड पे गोटू पे जाओ, गोटू पे लाइन पर क्लिक करो, यहाँ पे इसको लाइन पर क्लिक करने के बाद 11 नंबर इसमें फाइल डायल करो और ओके करो। 11 नंबर फाइल में आपका कर्सर पहुँच चुका है, इसको सेलेक्ट करो और अब आप इसको हिडन कर दो। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको, अब ये हिडन चीज़ कैसे देखनी है। तो आप उनको इस पर अगर आपको कोई हिडन है इस तरीके से सेलेक्ट करो और डाउन इस पे जाओ डायलॉग बॉक्स पे, तो अपना आप ये देखो हाईलाइट हो गए, इस पे दो बार क्लिक करोगे तो वो अनहिडन हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि एक ही मैं वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर नहीं करा सकता, ना बेसिक्स ना एडवांस में, अलग अलग जब भी मेरे को कुछ याद आता है एग्जाम से रिलेटेड कि किस तरीके से कराना है मैं अलग अलग बताता हूँ। तो जो मेरा पर्टिकुलर सारे वीडियो देखते आ रहे हैं तो उनको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा इस एग्ज़ाम में। अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो ये सुपर 500 LDC जो मैंने पास नाम रखा रखा है, तो मेरे 500 LDC भाई बहन सेलेक्ट होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, अगर हार्ड पेपर बोर्ड ने कलाकारी कर दी तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। देखो मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा आपको, ये एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है आपकी। क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू रीडू ऐड करें। देखो अंडू रीडू कहाँ से ऐड होएगा, यहाँ से होएगा, मैंने आपको फाइल में
हटा दी थी, मैं यही बता देता हूँ आपको। देखो जिन पे इन पे अनक्लिक कर दोगे तो ये हट जाएंगे सारे, ये अंडू रिडू मैंने इस तरीके से मैंने हटा के दिए थे आपको। और अगर अब ये लगाने हैं तो इस पे, क्योंकि ये बटन जो है इस पे क्लिक कर दो, अंडू रिडू को सेलेक्ट कर दो, और भी जो फाइल लानी है आपकी सारी सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट बॉक्स फुट नोट एंड एट नोट सहित टोटल करेक्टर विद स्पेस कितने हैं उसे हेडर में टाइप करें। काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। देखो एक तो हम यहाँ से फाइंड नेट और ये रिप्लेस में जा सकते हैं, नहीं जाना, क्या पता वहाँ ओपन हो नहीं हो यहाँ से। दूसरा हम वर्ड काउंट यहाँ से भी कर सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ से भी नहीं जाना, हमको जाना है रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद वर्ड काउंट, और इस पर क्लिक करना है। इंक्लूड बोला है तो इंक्लूड पर क्लिक कर देना, फुट नोट वगैरह सारे ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। सबके अलग अलग आएंगे क्योंकि सब कोई इंसर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। इस टेस्ट में मैंने दिया है जो आपको, तो जो भी हों आपके जितने भी हैं उनको काउंट करके और हेडर पर आपको लिखना है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं आपको, सेकंड पैराग्राफ को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना है आपको। तो चलते हैं हम सेकंड पैराग्राफ पर। अब देखो कोई टेक्स्ट है जो हमको, दो तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो हम सेलेक्ट करने से करेंगे। देखो इसमें सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी क्योंकि मैंने और काफ़ी फॉर्मेटिंग करवा दी है, बुलेट वगैरह भी दे रखा है। पहला तरीका तो ये है कि जो इसमें अप्लाई नहीं करना आपको, और ये फॉर्मेट टैब खुल गई इस तरीके से देते हैं। मैं दो तरीके बता रहा हूँ पहले आपको। एक तरीका तो ये है कि अपना आप फिट हो गया, लेकिन जो आपने पहले जो फॉर्मेटिंग वगैरह दे रखी थी जिससे बुलेट, मतलब जिस पे बुलेट नहीं दे रखा था, वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गया। देखो कैसे आ गया, देखो मैं इसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा, इस तरीके से नीचे आ गया। तो ये आपको इस तरीके से नहीं करना था। तो इसको करने का क्या था, आपको मैनुअल करना था। मैनुअल जाके इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके इसमें आपको कर्सर छोड़ना है बाहर। कर्सर छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो कर्सर। उसके बाद में आपको टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है और ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से। अब देखो ये आपका बदल चुका है वो आपका कर्सर। इसके साइज़ आप अपने हिसाब से उतनी रखो कि ये टेक्स्ट आपके ढक जाएँ। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको ये पूरे जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है सारा टेक्स्ट इसके नीचे आ जाए इस तरीके से। अब ये फॉर्मेट टैब अलग खुल चुकी है फॉर्मेट वाली, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ फॉर्मेट टैब का। तो अब हम टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं और इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब जो पीछे छिपा हुआ टेक्स्ट है वो आपका आ चुका है। अब आप इसको कलर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, इसकी साइज़ वगैरह दे सकते हैं, इसको शेडो दे सकते हैं, शेडो का डिज़ाइन दे सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक काम आ सकता है। इसको 3D दे सकते हैं इस तरीके से। तो आपको जो भी करना हो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आपका फिर एक शानदार क्वेश्चन है कि B2 सेल को टेक्स्ट को फिट करना है। अब हम जाते हैं टेबल में, टेबल में चले गए और ये B कॉलम हो गया और 2 रो हो गई। यहाँ पे कर्सर छोड़ दो आप, लेआउट में चले जाओ। एक तो आप प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हो इधर से, और एक सेल साइज में भी जाके कर सकते हो इधर से। ये टेबल रो सेल कॉलम इस तरीके से, ये ऑप्शन में जाना है। सेल वाले पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन, देन ये फिट टेक्स्ट, देन ओके इस तरीके से। अब ये फिट हो चुका है इस तरीके से। जिस तरीके से हम पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं ऐसे हम फिट करते हैं डाटा को सेल में। जिसकी उतनी हाइट होती है, चौड़ाई होती है, वो अपना फिट हो जाता है हर चौड़ाई के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको काफ़ी लोग गलत करेंगे। मैं टेस्ट आपके टेस्ट देने से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन देख लेना आप ज़्यादा लोगों का ये गलत मिलेगा। तो अब हम चलते हैं टेबल पर। A1 से लेके, देखो ये A कॉलम हो गया, ये रो हो गई, एक A1 से और D1 तक हमने सभी रो सेलेक्ट कर ली हैं, यानी सभी सेल सेलेक्ट कर ली हैं। सेल बोली है मैंने, रो नहीं बोली। A1 से D1 तक सभी सेलों को नंबरिंग देना है आपको। नंबरिंग पे जाके आपको क्लिक करना है। देन अब देखो आपने पहले बुलेट दे रखे हैं इसलिए ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे ही करके छोड़ देंगे, जबकि नंबरिंग जब मैंने दे रखा है यहाँ से तो यहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से नंबरिंग देनी होती है। तो जैसे भी मैंने बोला नहीं है क्वेश्चन में जो भी करना है, लेकिन आप इसको देख लेना, मैं करना बता रहा हूँ, तरीका आना चाहिए आपको। दो चीज़ें करनी आ गई। देखो अब मैं एक और बता देता हूँ इसमें नया क्वेश्चन। आपको सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट नहीं करना है आपको, कर्सर छोड़ना है। कर्सर छोड़ने के बाद में सेट वैल्यू पर जाना है और 1 दबाना है। अब आप डायल करना है और ओके कर देना। अब आपकी 1 से स्टार्ट हो गई, ये 4 सेलों पर नंबरिंग आ गई। सही तरीका तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो फॉर्मेटिंग सेल A2 पर हो रही है उसके समान टेबल में अन्य जो भी फॉर्मेटिंग हो रही है उनको सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर रखी है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था क्वेश्चन। तो अब हम चले जाते हैं A2 में। ये A कॉलम हो गया और ये 2 हो गया। इसकी मैंने जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, यहाँ सिमिलर टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग पर जाते हैं और हम इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही। तो अब हम चलते हैं
नौवे नंबर के क्वेश्चन पर। अब देखो इस पे काफ़ी लोगों का डाउट था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट होता आप बार बार पूछो, मैं क्लियर कराऊंगा, कभी तो क्लियर हो ही जाएंगे एग्जाम तक। सेल ए थ्री, अब इसको समझना है आपको, सेल ए थ्री डाटा को रेड कलर देना है। देखो जो भी आपको वहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा, घुमा के नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बकवास क्वेश्चन मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, बकवास क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन वो है सही तरीके से जो आपकी तैयारी करा सके, ऐसा नहीं कि आपको उलझा रहा है वो क्वेश्चन, उसमें क्लियर नहीं करा रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है, ऐसे तो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। वहाँ भी जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपको क्लियर पता होगा कि उनके क्या करना है, आप कन्फ्यूज ना हो, तो आप इस चीज़ को क्लियर करें। देखो सेल ए थ्री के डाटा को रेड कलर देना है, डाटा मतलब उसमें टेक्स्ट डिजिट जो भी है, तो वो डाटा होता है जो उसमें टाइप करेंगे, उसको रेड कलर देना है, यानी फॉन्ट कलर देना है, डाटा का मतलब यही है। तो ये ए थ्री है, देखो ए थ्री जो है इस तरीके से। अब देखो इसको सही तरीका क्या है, आप लेआउट में चले जाना, सेलेक्ट में जाना, सेलेक्ट सेल करना है आपको, सेलेक्ट सेल करने के बाद में अब इसका डाटा है और डिजिट है या कुछ भी है, देखो यहाँ डिजिट है कुछ भी है, तो इसको जो फॉन्ट वो होता है कलर फॉन्ट ही देना है, यानी टेक्स्ट डाटा जो भी है आप उसको यहाँ से दे देना। अब देखो एक चीज़ हो गई आपके, आपके डाटा को कलर हो चुका है, अब दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी में अप्लाई करवाया जिससे आपका क्लियर हो सके और आप इसमें डिफरेंस समझ सको। सेल बी टू जो दिए है मैंने इस तरीके से, ए टू दे दी, बी टू डाटा को हाईलाइट करना है, डाटा को मतलब टेक्स्ट डिजिट कुछ भी हो सकता है इसमें, ये जो बी टू है इसको जाओ और आप सेलेक्ट करो, पहले सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब जो डाटा है उसमें जो भी है सेल के अंदर वो सेलेक्ट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो अब यहाँ चले जाओ आप और इसको हाईलाइट कर दो, मैंने हाईलाइट का कलर नहीं दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी कलर चाहो उचित तरीके से आप दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। अब देखो इसमें इसमें डिफरेंस हो गया, देखो ये तो डाटा का कलर हो गया, ये डाटा हाईलाइट हो गया। अब देखो ये सेल मैंने खाली किस लिए छोड़ी, जिससे आपको पता लग सके। अब मैंने क्वेश्चन जो दिया था, देखो क्वेश्चन में C3, सेल C3 को ग्रीन कलर दें, अब ये सेल को दिला रहा है, डाटा को नहीं दिला रहा है, ना टेक्स्ट को दिला रहा है, ना डिजिट को दिला रहा है, सेल को दिला रहा है। तो देखो अब सेल में अब फर्क देखेंगे हम, इसको अच्छे से समझ लें क्वेश्चन को, इसलिए मैंने ये खाली छोड़ी है सेल, इसको कर्सर छोड़ो, कर्सर छोड़ने के बाद में आप लेआउट में जाओ, लेआउट में जाने के बाद सेलेक्ट सेल कर दो। अब देखो मेरे बात सुनो, मान ले मैंने इसमें फॉन्ट कलर दे दिया रेड, आया क्या? नहीं आया, कर्सर छोड़ा मैंने, सेलेक्ट करी, सेल सेलेक्ट करी, मैंने इसको हाईलाइट करवाया, हाईलाइट आया क्या? क्योंकि इसमें डाटा ही नहीं है, नहीं है ना, तो सेल नहीं हुई ना, सेल को कलर नहीं मिला ना, तो कर्सर छोड़ो, कर्सर छोड़ने के बाद लेआउट पे जाओ, सेल सेलेक्ट करो, उसके बाद में शेडिंग जाके अब इसको कलर दो, वहाँ से नहीं जाना है आपको, यहाँ भी बैकग्राउंड को दे सकते हैं, लेकिन उचित तरीका यही है कि आप डिजाइन में जाके इसको कोई भी ग्रीन कलर जो भी मैंने बोला ये दें इस तरीके से, ये सेल कलर है, यानी ये शेडिंग या शेडिंग और बैकग्राउंड एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये है सेल कलर। तो आई होप आप समझ में हो गया, नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा देखें वीडियो को, चलाकर दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको, एज ए नॉलेज ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए ना आए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। न्यू पेज इंसर्ट कर, पेज ब्रेक लगाएं और वर्ड कमांड द्वारा 6 पैराग्राफ इंसर्ट करें। तो अब हम चलते हैं अपनी फाइल पर, देखो आपका कर्सर कहीं भी हो आप डाउन एरो से जाओ, डाउन एरो से जहाँ तक आपका कर्सर ब्लिंकिंग करे वहाँ तक जाओ, उसके बाद में एंड प्रेस करो, तो अब एंड पे हो इस पेज के पे आप, तो अब आप पेज लेआउट में सॉरी इंसर्ट में जाओ और सीधा इंसर्ट में जाके ये ब्लैंक पेज है ये, तो अपना आप एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा और ये पेज ब्रेक देना है, अब पेज ब्रेक भी लग गया आपका यहाँ से और नया पेज भी इंसर्ट हो गया। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक पेज पर कई सेक्शन हो सकते हैं, हर पैराग्राफ में सेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन पेज ब्रेक लग जाएगा, तो अगर मैंने यहाँ पेज ब्रेक दे दिया यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला पेज एक अलग हो गया और नीचे वाला दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पेज ब्रेक सिर्फ पेज पर लगता है और एक पेज पर कई सेक्शन लग सकते हैं, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना आप। तो आज इजी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आज आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के चक्कर में कुछ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और अब मैं टाइपिंग और एफिशिएंसी से रिलेटेड बात कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसका मैं जब भी पॉसिबल होगा एग्जाम से पहले पहले आपको बहुत ही मददगार जो भी न्यूज़ होगी, मतलब मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है टाइपिंग पे और एफिशिएंसी पे, आपको क्या क्या करना है। मार्केट में कुछ लोग गलत बता रहे हैं कि अल्ट्रा की वगैरह यूज़ आएंगी, जो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं इस चीज़ को ऑथेंटिक तरीके से आपको बताऊंगा, जब भी मुझे टाइम लगेगा टेंशन मत लें आप, आपको गुमराह नहीं करूंगा मैं, जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा, सही तरीके से अपने मन से या अपने एडवाइस से, मैं कुछ भी आपको गलत
गुमराह नहीं करूँगा। मतलब कुछ लोगों ने भेजा था, एक लड़के ने तो मेरे को वीडियो भेज दिया, किसी चैनल वाले का था, पता नहीं मुझे क्या नाम है उसका, याद नहीं एग्जैक्टली। उसने सिर्फ उसका उसी को भेजा कि उसमें दे रखा है उसने कि हाई कोर्ट में दे रखा था, लेकिन अल्ट्रा की यूज़ हुई थी। भाई हाई कोर्ट का आप जाके देख लो, वेबसाइट पर कहीं भी नहीं दे रखा आपको। तो मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से उसका मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा ऑथेंटिक तरीके से, तो आप निश्चिंत रहें अल्ट्रा की का यूज़ नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। और टाइपिंग और एफिशिएंसी रिलेटेड में अल्ट्रा कंट्रोल की और जो भी की सावधानी रखनी है आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। और अब मैं नए व्यूवर्स जो मेरे नए स्टूडेंट्स बहन भाई हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप अबाउट में जाके ज्वाइन कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी टेस्ट सीरीज का प्रोसेस होगा, मैं टेस्ट लेने से पहले अपना आप प्रोसेस बता दूंगा वहाँ कि कितने बजे लेना है, कैसे लेना है, कैसे फाइल सबमिट करनी है। आप मैसेज या किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लग रहा है इस तरीके से, तो आपको और मेरे को जुड़ने का एक ही तरीका है कि आप मेरे लाइक्स और जो आपके कमेंट्स होते हैं मैं उनको देख के ही खुश हो जाता हूँ कि हाँ मेरे वीडियो को आप पसंद कर रहे हो। तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करते रहा करो वीडियो पे, मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा जिससे मैं आपके लिए कंटिन्यू बना रहूं आपके साथ एग्ज़ाम तक। और मैं बकवास क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। कुछ लोग क्या है कि उसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता उसकी लैंग्वेज करने के बाद में, बच्चों को कन्फ्यूज कर देते हैं। लेकिन देखो वहाँ लैंग्वेज का फ़र्क नहीं आएगा, वहाँ आपको क्वेश्चन आएगा तरीके से जो आपके समझ में आ सके, यानी आपको फंक्शन अप्लाई करना आ सके और क्वेश्चन उस तरीके से आएगा। ऐसे नहीं कि लैंग्वेज अब मैं इसको पैराग्राफ को ही कुछ और बता रहा हूँ, ये पैराग्राफ नहीं दिया कुछ, मतलब लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज बेकार कर देते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन वहाँ आपको आसान भाषा में क्वेश्चन आएगा, बस आपको बशर्ते हर फंक्शन को आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन वो डीपली भी पूछ सकते हैं, लेकिन डीपली भी पूछेंगे तो उसकी भाषा बड़ी ही आसान होगी। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम चलते हैं, बाय, सी यू।